जब शमी कपूर ने शक्ति कपूर की कर दी धुनाई। शमी जहां निहायत ही शरीफ और जिंदादिल इंसान माने जाते थे, वहीं शक्ति कपूर अपने कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। शक्ति ने एक बार जब शमी कपूर को जब अपनी बदतमीजी का नमूना दिखाया तो शमी ने आपा खो दिया और शक्ति की जबरदस्त धुनाई कर डाली। एफसी मेहरा ने 1989 में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर फिल्म मुजरिम का निर्माण किया था, जो काफी हिट रही। दौड़ इस कामयाबी की खुशी में मेहरा ने एक पार्टी रखी थी, जिसमें शमी कपूर को खास तौर पर बुलाया गया था। शक्ति कपूर भी इस पार्टी में मौजूद थे। दौड़ पार्टी में उन्होंने खूब पी ली और मेहरा को ही भला बुरा कहने लगे। उनका आरोप था कि उन्होंने फिल्म में उनके रोल पर कैंची चला दी। डॉट खैर जैसे तैसे शक्ति को शांत किया गया। डॉट शक्ति की हालत देखकर शमी कपूर ने उन्हें घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया और शक्ति शमी की गाड़ी में आकर बैठ गए। रास्ते में शक्ति ने फिर से बोतल निकाल ली और पीना शुरू कर दिया। डॉट जब ज्यादा चढ़ गई तो वो शमी कपूर को ही भला बुरा कहने लगे। पहले तो शमी कपूर ने शक्ति की इस बकवास को इग्नोर किया, लेकिन जब शक्ति ने पूरे कपूर खानदान को ही भिखारी करार दिया तो शमी कपूर के सब्र का पैमाना छलक गया। गुस्से में आग बबूले हुए शमी कपूर ने शक्ति को गाड़ी से नीचे फेंका और नीचे उतरकर उन्हें बुरी तरह से पीटने लगे। गुस्से में शमी उन्हें बुरी तरह पीट रहे थे। दौड़ आखिर शमी कपूर की पत्नी नीला देवी को शक्ति पर दया आ गई और उन्होंने शक्ति कपूर को वहां से भगा दिया। इस तरह शक्ति कपूर शमी कपूर की गिरफ्त से बच पाए।